यानी अब ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन एट ए टाइम साथ साथ होने वाले, हमें इस तरह के एग्जांपल्स करना है। तो हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं, हर पार्ट के लिए हमें एग्जांपल्स करना है। तो शुरुआत हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट से करते हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन की। तो दो तरह के मोशन हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं। लीनियर मैकेनिक्स में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तब हम पूरे बॉडी के हर हिस्से की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे सेम मानते थे। यानी अगर ए की वेलोसिटी बी है तो बी की भी वी है, तो सी की भी वी है, तो डी की भी, हर पॉइंट एक ही वेलोसिटी से चलेगा। मैंने कहा ये जनरल डी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। ए आर वन रेडियस पे है, पॉइंट बी आर टू रेडियस पे है। अगर हम इस बॉडी का प्योर रोटेशन सोचें, यानी वो केवल रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या ए पॉइंट को v इक्वल टू आर ओमेगा, आर वन ओमेगा की वेलोसिटी मिलेगी, तो b पॉइंट को आर टू ओमेगा की वेलोसिटी मिलेगी। मैंने इसका नाम वी आर इसलिए लिखा है क्योंकि रोटेशन की वजह से मिली हुई लीनियर वेलोसिटी है। इसके अलावा अगर मैं इस d पॉइंट की भी बात कर लूं, जो कि थीटा के एंगुलर पोजिशन पे है, तो इसको भी रेडियस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलती है, आर टू ओमेगा, कुछ आर थ्री रेडियस मान लेते हैं, तो आर थ्री ओमेगा की वेलोसिटी मिलेगी। तो अगर मैं ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन दोनों ही एक बॉडी में दे दूं, दोनों तरह के मोशन एक बॉडी में दे दूं, तो क्या होगा? क्या ए के अंदर ट्रांसलेशन मोशन की वजह से वी मिलेगा, साथ ही साथ आर वन ओमेगा ये रोटेशन की वजह से मिलेगा, बी पॉइंट पे ट्रांसलेशन की वजह से वी मिलेगा आगे की तरफ, और रोटेशन की वजह से आर टू ओमेगा पीछे। मैं ट्रांसलेशन वाले को हर जगह वी टी लिख देता हूं ताकि याद रहे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और वी आर वो रोटेशन मोशन की वजह से मिली हुई वेलोसिटी। इसी तरह से डी पॉइंट को वी टी आगे मिलेगा और रेडियस के परपेंडिकुलर ये आर थ्री ओमेगा मिलेगा। क्या हम इन हर पॉइंट पे नेट वेलोसिटी की बात कर सकते हैं? क्या ए की नेट वेलोसिटी vt प्लस r1 ओमेगा होगी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है तो हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से b की वेलोसिटी vt आगे r2 ओमेगा पीछे, हमें नहीं पता कौन ज्यादा है, कोई एक तो ज्यादा होगा। मैं फिलहाल इसको vt माइनस r2 ओमेगा लिख देता हूं और राइट लगा देता हूं। जल्दी हम लोग बाय डिफॉल्ट चीजें राइट में ही नेट मानते हैं जब तक नहीं पता, बाकी अगर ये टर्म बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या बताओ, सी पॉइंट पे वेलोसिटी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो मिलेगी, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, सी पॉइंट की रोटेशन की वजह से मिली हुई लीनियर वेलोसिटी वो जीरो होगी। यानी सी पॉइंट पे केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन आएगा, उसके अंदर केवल वीटी वेलोसिटी होगी। अब हम बात करते हैं इस डी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी बीडी कितना होगा। डी पॉइंट पे मिला हुआ वी आर और वी टी एक लाइन में नहीं है, और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगुलर पोजीशन पे हो, उनके बीच में कुछ एंगल हो, वो एंगल हम शो कर सकते हैं। मैंने यार ये थीटा दिया है, तो यहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये भी थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये मैंने 90 डिग्री पे बनाया था तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। मैं शो कर सकता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो VT और VR के बीच में भी एंगल थीटा है, और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में थीटा का एंगल होता है तो नेट अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पहला दूसरा cos थीटा, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो मैंने तीन पॉइंट लेके कम से कम ये समझा दिया है कि अगर दोनों तरह के मोशन एक बॉडी के अंदर आ जाए तो किस तरह का मोशन आएगा। तो ये मैंने एक बॉडी का कंबाइंड मोशन दिया है, और हमें पता है कोई भी कंबाइंड मोशन को हम लोग दो अलग अलग मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमने पूरी मैकेनिक्स प्योर ट्रांसलेशन के लिए अलग पढ़ी है और प्योर रोटेशन के लिए अलग पढ़ी है, इसलिए हम लोग यहां पे कंबाइंड में चीजों को डील नहीं कर पाएंगे। चाहे वो वेलोसिटी को लेके बात हो, चाहे एक्सेलरेशन को लेके बात हो, हम कंबाइंड मोशन को स्प्लिट करके पहले ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में लाएंगे, देन ट्रांसलेशन के लिए अलग डिस्कशन और रोटेशन के लिए अलग डिस्कशन
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये मान लिया है कि ये कंबाइंड मोशन है जो वीटी और वीआर का कॉम्बिनेशन है। अगर केवल ट्रांसलेशन मोशन हो तो हर ऑब्जेक्ट को वीटी मिलेगा, और अगर केवल रोटेशनल मोशन हो तो हर ऑब्जेक्ट को वीआर मिलेगा। मैंने सर्कमफेरेंस पे हर पॉइंट रखा है, तो वीआर की वैल्यू कुछ मैंने अननोन मानी है, और हमें यहाँ पे अगर ये आर रेडियस का है तो हमें वीटी वीआर और ओमेगा बताना है, एक बात। और उसके बाद हर पॉइंट, तो यार ए का वेलोसिटी दिया है, बी का वेलोसिटी दिया है, बाकी पॉइंट के हमें वेलोसिटी भी लाके देना है। तो अभी हम लोगों ने पूरे कंबाइंड मोशन को प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन में स्प्लिट कर दिया है, और इतनी इंफॉर्मेशन से हम वीटी और वीआर बड़े आराम से ला सकते हैं, क्योंकि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी वीटी और वीआर का सम है, कि हम वीटी और वीआर का सम 3v देख रहे हैं, एक बात। बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी वीटी और वीआर का डिफरेंस है, एज्यूमिंग वीटी ज्यादा है तभी नेट वेलोसिटी राइट आएगी। क्या इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग वीटी ला सकते हैं एंड वीआर ला सकते हैं? और एक बार वीटी और वीआर आ गया तो उनकी मदद से हम हर पॉइंट की वेलोसिटी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी पे वीटी आगे मिलना है और वीआर नीचे 90 डिग्री पे मिलना है, और ऐसी सिचुएशन में जब हम नेट निकालते हैं तो वेलोसिटी अंडर रूट वीटी स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर होगी। ये सी पॉइंट की वेलोसिटी है। क्या इसी तरह से डी पॉइंट पे वीटी आगे मिलेगा, दैट इज 2v, और वीआर ऊपर मिलेगा, दैट इज v, और इसका भी नेट निकालेंगे तो बीच में कहीं आएगा जैसे इसका आया था, और अंडर रूट 5v अगेन इसका भी आएगा। क्या हम ई पॉइंट पे देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से मोशन आगे मिलेगा और रोटेशन की वजह से कुछ ऐसे मिलेगा? हम शो कर सकते हैं कि ये एंगल 60 तो ये एंगल 60 तो ये एंगल 30 तो ये एंगल 60, क्योंकि आपस में 90 है। तो क्या 60 डिग्री का मामला है, दो वेलोसिटी के बीच में ट्रांसलेशन की वजह से 2v मिली है और रोटेशन की वजह से v मिली है, तो क्या इस ई पॉइंट की वेलोसिटी अंडर रूट वीटी स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर प्लस इससे आ जाएगा? ये ई पॉइंट की वेलोसिटी आ गई है। एक और पॉइंट की वेलोसिटी हम कह सकते हैं, कोई पूछे ओ पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें पता है ओ पॉइंट पे रोटेशन की वजह से कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, ट्रांसलेशन की वजह से 2v मिलने वाली है, तो ये ओवरऑल वेलोसिटी 2v होगी। क्या जितनी बातें मैंने अभी वेलोसिटी को लेके करी वही सारी बातें हम लोग एक्सेलेरेशन को लेके भी कर सकते थे किसी इंस्टेंट पे जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन और इस एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चन में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है, सिवाय कि जहां जहां मैंने वी सिंबल यूज किया है वहां वहां हम ए सिंबल यूज कर दें। ये 3a दिया था, ये a दिया था, तो हर जगह ट्रांसलेशन वाला एक्सेलेरेशन ये a है, a ट्रांसलेशन अननोन मान लेते हैं और रोटेशन वाला ar मान लेते हैं, और वही सारी बातें जो वेलोसिटी को लेके हमने करी है बिल्कुल सेम आंसर्स इस केस में हो जाएंगे। लेकिन हमने इस पूरे डिस्कशन में ये इंस्टेंट एट दिस इंस्टेंट बॉडी एट रेस्ट माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने बॉडी को रेस्ट पे कंसीडर किया है, क्योंकि अगर रेस्ट पे कंसीडर ना करते तो इन बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे ये एक्सेलेरेशन के अलावा भी एक एक्सेलेरेशन होता, और वो है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। अगर हम बॉडी में किसी वजह से ए के साथ ओमेगा भी कंसीडर कर लें तो इस हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन और आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो हमें चीजों को वेक्टर सम करके निकालना पड़ेगा। मैं इतने पॉइंट के लिए तो नहीं, एक पॉइंट के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, तो इनमें दो पॉइंट के लिए नेट एक्सेलेरेशन लाने वाला हूं, सी पॉइंट और पी पॉइंट। नो डाउट सी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे कैपिटल आर डिस्टेंस पे है और पी पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और इस बार बॉडी में हमने एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी दोनों कंसीडर किए हैं। तो क्या हमें इसके पहले सबसे पहले दो कंबाइंड दो अलग अलग मोशन लाना चाहिए, और इस बार हमें एटी के साथ बीटी की भी बात करना है, एआर के साथ वीआर की भी बात करना है, क्योंकि अगर बॉडी में एक्सेलेरेशन है तो साथ साथ उस इंस्टेंट पे इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है।
फिलहाल एटी और वीटी लाने में किसी एक का ला दो आंसर दूसरे का, अपने आप समझ में आ जाएगा। वीटी प्लस वीआर 3वी है टॉप वेलोसिटी, वीटी माइनस वीआर वी है, तो इनको सॉल्व करके हम लोग वीटी और वीआर का आंसर ला सकते हैं। इसी तरह से क्या हम एटी का आंसर भी और एआर का आंसर भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये एटी और एआर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से, यानी अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट के अंदर ये जो 3a दिया है उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है at और ar का सम, क्या इसके अंदर एक और एक्सेलेरेशन होगा a सेंटीपेडल r ओमेगा स्क्वायर, तो बात आती है ओमेगा कैसे आएगा। हमें पता है vr इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू हम vr बाई r लिख सकते हैं, जहां पे vr भी हमने फाइंड आउट किया है। तो अगर कोई a का भी एक्सेलेरेशन पूछे नेट एक्सेलेरेशन कितना है, पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वो आएगा 3ai कैप टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, इसके अलावा माइनस a सेंटीपीटल j कैप और होगा, और a सेंटीपीटल की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर हमें लिखना होगी, यानी 3ai कैप माइनस v स्क्वायर बाई r j कैप, ये एक्सेलेरेशन a पॉइंट का होगा नेट में। अगर कोई इसके मैग्नीट्यूड की बात करे तो ऐसे लिखे जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट पे एटी मिलेगा आगे, ऑब्वियसली एटी आया है 2a, एआर मिलेगा नीचे रोटेशन मोशन की वजह से, ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, इसके अलावा एक और मोशन एक्सेलेरेशन मिलेगा सेंटीपेडल एक्सेलेरेशन। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, दैट विल बी 2a माइनस ए सी आई कैप माइनस ए आर जे कैप, वैल्यू लिख देते हैं, ए सी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, और ए आर की जगह हमने लाया है ए जे कैप। इसी तरह से अगर मैं सी का भी मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं एक्सेलेरेशन का, तो लिख सकता हूं ये। क्या हम पी पॉइंट की बात कर सकते हैं, पी पॉइंट पे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एटी आगे मिलेगा, रोटेशन की वजह से एआर पीछे मिलेगा, लेकिन इस बार एआर की वैल्यू आर अल्फा होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, और अल्फा की वैल्यू एआर बाई आर होगी, एआर हम लोग ला चुके हैं, इसको मैं लिख सकता हूं आर ए बाई कैपिटल आर ये। और इन दो एक्सेलेरेशन, एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से मिला हुआ एक्सेलेरेशन, एक रोटेशन मोशन की वजह से मिला हुआ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और एक सेंटीपेडल एक्सेलेरेशन, इन तीन का नेट लिखना है। यानी अगर मैं पी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखूं एक्सेलेरेशन, दैट विल बी एटी माइनस ए आर आई कैप माइनस प्लस ए सी जे कैप, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो होगा प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां ओमेगा की वैल्यू वी बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें डिस्कशन करना होगा अगर ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन रोटेशनल एक्सेलेरेशन के अलावा सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन की भी बात आ जाए, यानी किसी बॉडी के अंदर मोशन भी है वेलोसिटी भी है, तो हमें सेंटीपेटल की बात करना पड़ जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस अभी तक मैंने केवल एक्सेलेरेशन निकालने की बात करी है, उसकी हेल्प से कुछ डिस्टेंस या एंगल कवर्ड की बात नहीं करी है, और जब हमने एक्सेलेरेशन निकालने में इतनी मेहनत कर ली है काइनेमेटिक्स पार्ट में, तो उसके यूज पे क्वेश्चंस करना बहुत और मुश्किल काम है। यानी बॉडी कितना डिस्टेंस लीनियर चलेगी, उसका सेंटर कितना चलेगा, इस तरह की बातें करी तो जा सकती हैं, ट्रांसलेशन अलग कर लो रोटेशन अलग कर लो फिर वेक्टर सम, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चीजें कहीं ना कहीं यहीं तक लिमिटेड रहती हैं काइनेमेटिक्स पार्ट में, इससे आगे जनरली हम लोग नहीं बढ़ते हैं। तो फिर अगर कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम उसको आगे टैकल करेंगे, फिलहाल इतनी बेसिक नॉलेज सफिशियंट है, और इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पार्ट पे आते हैं ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन के लिए।